हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको मलाई से बटर निकाल के दिखाऊंगी। मुझे निकालना था तो मैंने सोचा कि चलो इसका वीडियो बना लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मेरे पास एक कटोरी मलाई है, आज मैं इसका बटर निकालूंगी। तो इस मलाई को हम इस मिक्सर जार में डाल लेंगे। ये घर की मलाई है, इसे हम मिक्सर में ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, देखिए हमारा बटर निकल गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। इसमें पानी डाल के इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इस तरह से हमें सारा पानी इसमें से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, तो देखिए हमारा बटर निकल गया है। अगर आप बटर को नहीं रखना चाहते हैं तो इसका घी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इस बटर का आपको घी निकाल करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, हम इसमें इस बटर को डाल देंगे। इसे चलाते रहें, इसे थोड़ी थोड़ी देर से चलाना पड़ता है, नहीं चलाने से क्या होगा, ये नीचे से जलने लगेगी। देखिए इसे हम निकाल लेते हैं, हमारा घी तैयार हो गया है।
इसे ठंडा होने देते हैं, ये अभी बहुत गर्म है। देखिए ये घी निकल गया है। तो आपने देखा मैंने कैसे क्रीम से बटर, बटर से घी निकाल के दिखाया। अब एक और चीज़ दिखाना बाकी है, वो ये जब हम बटर निकाले थे तो उसमें से ये हमारा बच गया था, ये दूध है, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, हम इसका पनीर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका पनीर निकालते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई में इसे डाल देना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर धो करके भी डाल देंगे, इसमें है अभी। इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करिएगा तो बहुत अच्छा से निकल जाता है इसमें से। देखिए बहुत अच्छा से निकल गया है। देखिए इसमें उबाल आने लगा है। ये हमारा पनीर निकल गया है। आप चाहे तो इसे चीनी डालकर भी खा सकते हैं, चाहे तो इसका पनीर भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पनीर बन गया है, गर्म है। थैंक यू सो मच मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय।